कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त सरकार कलंदर मस्त मस्त सरकार कलंदर बच दिए सरकार कलंदर दी सुन रहमत बस दिए सरदार कलंदर जी भी बस देख सकते हैं आप अंदर कहाँ आता है उनकी हिस्ट्री है तारीख वफात पूरा शजराइन का लिखा हुआ है आप देख सकते हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं अल्लाह ताला इनके सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और पहाड़ों के अंदर इनका मज़ार है बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में है ये आप ज़रूर विज़िट करें और इस जगह पर आएँ इस मज़ार को लाजमी देखें काफ़ी फ़कीर साहब ये थाती फ़कीर साहब के गुसल खाने हैं यहाँ पे नहायत ही ठंडा पानी होता है आप देख सकते हैं कि टूटियाँ जो हैं इन टूटियों के ऊपर ठंडी आप नमी देख सकते हैं आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी देखें नहायत ही ठंडा पानी आप इस पानी से नहा नहीं सकते ये ऊपर वजू खाने दिए हमें और ये गवर्नमेंट ने ये एरिया बनाया तो बहुत ही खूबसूरत जगह है कभी अहमदाबाद का विज़िट आप करें आप लोग अहमदाबाद तो ये जो गुसलखाने भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने लेकिन यहाँ से बहुत ठंडा पानी आता है और देख सकते हैं आप यहाँ अंदर नलके वगैरह लगे हुए हैं लेकिन बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे नाजरीन बेहद ठंडा पानी है देखें यहाँ बोतल लगाई हुई है और बोतल में पानी गिर रहा है देख रहे हैं आप बोतल से पानी गिर रहा है 24 hours अस्सलाम वालेकुम ये देखें ये दिन रात पानी चलता है एक मिनट के लिए भी नहीं रुकता ये पहाड़ों से पानी आ रहा है आप देख सकते हैं पाइप का जाल ये वो ऊपर से पहाड़ से आ रहा है ये ऊपर पहाड़ है ये जंगल बियाबान है यहाँ पे ना तो कोई समंदर है ना नहरें हैं ना दरिया है बस अल्लाह की कुदरत है इन बलियों की शान है कि जो यहाँ पे पानी देखें 24 घंटे बहता है पानी बहुत ही खूबसूरत जगह है ये आप लोग विज़िट करें यहाँ पे थाती फ़कीर साहब एबटाबाद के एबटाबाद से आगे है ये रचबैन गांव के साथ और बहुत ऊंची हुई हस्ती है ये बहुत करामात हैं इनकी और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे और माशाल्लाह से ज़ियारत थाती फ़कीर साहब अभी अंदर ज़ियारत दिखाएंगे आपको पहाड़ों में बनी हुई है नाज़रीन बहुत खूबसूरत एरिया है ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह से आप लोग दीदार करें बहुत पहुंची रहती है माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह के वली हैं इनकी बहुत करामात हैं तो आप खूबसूरत देखें
माशाल्लाह से जंगल में बना हुआ ये मज़ार। अंदर का हाथ है ये थाती फकीर साहब के गुसलखाने। यहाँ पे नहायत ही ठंडा पानी होता है। आप देख सकते हैं कि टूटियाँ जो हैं, इन टूटियों के ऊपर ठंडी आप नमी देख सकते हैं। आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी, देखें। नहायत ही ठंडा पानी, आप इस पानी से नहा नहीं सकते। ये ऊपर वजू खाने दिया हमें और ये गवर्नमेंट ने ये एरिया बनाया, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी एबटाबाद का विज़िट आप करें आप लोग एबटाबाद, तो ये जो गुसलखाने भी बनाए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ से बहुत ठंडा पानी आता है और देख सकते हैं आप यहाँ अंदर नलके वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे नाजरीन, बेहद ठंडा पानी है। देखें यहाँ बोतल लगाई हुई है और बोतल में पानी गिर रहा है, देख रहे हैं आप बोतल से पानी गिर रहा है। 24 hours। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ये दिन रात पानी चलता है, एक मिनट के लिए भी नहीं रुकता। ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं पाइप का जाल, ये वो ऊपर से पहाड़ से आ रहा है। ये ऊपर पहाड़ है, ये जंगल बियाबान है। यहाँ पे ना तो कोई समंदर है, ना नहरें हैं, ना दरिया है, बस अल्लाह की कुदरत है, इन बलियों की शान है कि जो यहाँ पे पानी देखें 24 घंटे बहता है पानी। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप लोग विज़िट करें यहाँ पे थाती फ़कीर साहब, एबटाबाद के एबटाबाद से आगे है ये रचबैन गांव के साथ, और बहुत ऊंची हुई हस्ती है ये, बहुत करामात हैं इनकी, और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, और माशाल्लाह से ज़ियारत थाती फ़कीर साहब। अभी अंदर ज़ियारत दिखाएंगे आपको, पहाड़ों में बनी हुई है ये नाज़रीन, बहुत खूबसूरत एरिया है ये, देख सकते हैं ये माशाल्लाह से आप लोग दीदार कर, बहुत पहुंची रहती है। माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह के वली हैं, इनकी बहुत करामात हैं, तो आप खूबसूरत देखें। माशाल्लाह से जंगल में बना हुआ ये मज़ार।
नहीं, अंदर का हाथ है। पिछली तरफ फेसबुक